ये देखो गरीब, चल दिया पढ़ाई करने, जब दूसरों के यहाँ कुत्तों की तरह काम करते हैं तब जाके इनको दो वक्त की रोटी नसीब होती है। अबे जब तेरे पास ठीक ठाक चप्पल तक नहीं है और किताबें ले जाने के लिए बैग भी नहीं है तो फिर क्यों पढ़ाई का शौक चढ़ाया तेरे? यार क्यों तुम लोग इसे परेशान कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि ये क्यों पढ़ाई कर रहा है? इसे लगता है कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन शायद इसे पता नहीं है ये जो गरीबी है ये गंदी नाली है और ये उसी नाली के कीड़े हैं और उसी में रेंग रेंग के मर जाएंगे और कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। हाँ तुम सही कह रही हो, शुक्र मनाओ तुम जैसे गरीबों के लिए सरकार ने सरकारी स्कूल बनवा दिए हैं, नहीं तो तुम जैसे लोग कभी स्कूल देख ही ना पाते। भैया जी आप लोगों के पास पैसे हैं इसीलिए आप लोग महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे पास नहीं है तो हम सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ाई करने का हक हर उस शख्स को है जिसे शिक्षा से प्यार है। और बात महंगे और सरकारी स्कूल की नहीं होती, बात होती है मेहनत और लगन की। कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़कर भी फेल हो जाता है और कोई सरकारी स्कूल में पढ़कर भी कलेक्टर बन जाता है। अबे चल गरीब, अब तू हम लोगों को प्रवचन देगा। अरे बेटा अंदर मेरी दवा रखी है, लाके दे दे। बाबूजी अभी आपने कुछ खाया है कि नहीं? नहीं बेटा। तो बाबूजी आप पहले कुछ खा लीजिए उसके बाद दवाई खाइएगा। रुकिए मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। बाबूजी ये लीजिए खाना। रोटी नहीं है क्या बेटा? नहीं बाबूजी, वो घर में आटा खत्म हो गया है ना तो इसलिए रोटी नहीं है। बाबूजी आज आप सब्जी और चावल खा लीजिए, मैं कल तक आटे की व्यवस्था करता हूँ। ठीक है बेटा। बेटा आज तू स्कूल नहीं जाएगा क्या? नहीं बाबूजी। क्यों? अरे बाबूजी आपकी तबीयत खराब है ना इसीलिए, मैं यहाँ रहकर आपकी देखभाल करूंगा। अरे मैं इतना भी लाचार नहीं हुआ हूँ कि अपनी देखभाल न कर सकूं। तू मेरी फिक्र मत कर, तू स्कूल जा नहीं तो तेरी पढ़ाई छूट जाएगी। नहीं बाबूजी आज मैं नहीं जाऊंगा, पता नहीं क्यों आज मेरा मन नहीं कर रहा है स्कूल जाने का, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। अरे अभी मैं मरा नहीं हूँ तो तुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये बहाने बनाना बंद कर और स्कूल जा और मेरी चिंता मत कर। ठीक है बाबूजी मैं जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना।
हाँ दिखाने देता क्या? क्या कहा तूने? जरा फिर से बोल। भैया जी, जब इतनी जगह पड़ी है तो गाड़ी हमारे बगल से क्यों निकाल रहे हो? तेरी इतनी औकात, तू मुझे ज्ञान दे रहा है? तुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं प्रधान का बेटा हूँ, फिर भी तू मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है? भैया जी, आप प्रधान के बेटे हैं तो क्या हम लोगों को सड़क पर भी नहीं चलने देंगे? बेबी, इसकी बकवास क्यों सुन रहे हो तुम? देख रहे हो इसकी जुबान कैसे चल रही है? मारो इसे। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मार इसे। पन्नी दो, मेरी पन्नी दो, छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो मुझे। ये देख मुझे मत मारो, छोड़ दो मेरी किताबें दो। अबे ये देख मेरी किताबें दो। रुको, आज से इसका पढ़ाई करने का सपना खत्म, क्योंकि ये दोबारा कभी किताबें ही नहीं खरीद पाएगा। चलो। बाबूजी, आपने अभी दवाई खाई कि नहीं? बाबूजी, आपने दवाई खाई कि नहीं भी? बाबूजी, आपने बाबूजी बाबूजी बाबूजी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बाबूजी आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। बाबूजी उठिए, उठिए बाबूजी, उठिए बाबूजी। बेचारा, आज तो मुझे इसके ऊपर बहुत तरस आ रहा है। वो क्यों वरुण? क्योंकि इसका बाप मर गया। हाँ, तब तो इसके साथ बहुत बुरा हुआ। पता नहीं इसने और इसके बाप ने कितने सपने सजाए होंगे, वो सारे चकनाचूर हो गए। अब तो बेचारा बेसहारा हो गया है। अब देखो, पढ़ाई छोड़कर काम करने जा रहा है। अच्छा सुन,
जब तू काम करने जा ही रहा है तो मैं तुझे काम दूं, बोल तू करेगा? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियस पूछ रही हूँ, बता तू करेगा? कौन सा काम? हमारे जूते साफ करने का। तू टेंशन मत ले, हम तुझसे फ्री में जूते साफ नहीं करवाएंगे, हम तुझे पैसे भी देंगे। मैं भले क्यों ना अपनी गरीबी में भूखा क्यों ना मर जाऊं, लेकिन तुम लोगों के जूते कभी नहीं साफ करूंगा। अबे तू क्या, अगर तेरा बाप भी होता ना तो हम उससे भी जूते साफ करवाते। चल जूते साफ कर। की तो जान छोड़ दो। चल भाई, मैं अपना खेत जुतवाने जा रहा हूँ, तू भी जुतवा दे। इतने सालों से कुछ बोया नहीं है, इस बार कुछ बो दे, तेरे पास कुछ खाने के लिए हो जाएगा। भाई मेरे पास खेत जुतवाने के लिए ना तो पैसे हैं और बोने के लिए ना तो गेहूँ। अच्छा सुन, गेहूँ मैं तुझे दे दूंगा, पैसे का तू देख ले। अच्छा पैसे लाया है? हाँ, ये लीजिए 300 रुपए। अरे भैया आप कहाँ जा रहे हैं, चलकर खेत तो जोत दीजिए। अबे तेरे बाप के 2000 रुपए पहले के पड़े हैं, उसमें से सिर्फ तूने 300 रुपए दिए हैं, पहले 1700 रुपए दे, उसके बाद तेरा खेत जुतेगा। भैया आप चलकर मेरा खेत जोत दीजिए, मैं कुछ दिनों में आपके सारे पैसे दे दूंगा, आप मेरा विश्वास कीजिए। तेरा बाप भी ऐसे ही कहता था, वो तो मर के चला गया, अभी भी मेरे पैसे बाकी हैं, ना वो दे पाया ना तू दे पा रहा है। पहले पिछला हिसाब खत्म कर, उसके बाद तेरे खेत में ट्रैक्टर जाएगा। चलो यार, हम लोग ने बड़ी मुश्किल से इंटर तो पास कर लिया, लेकिन अब हम लोग एडमिशन कहाँ करवाएं? हम लोग के मार्क्स इतने कम है कि कोई कॉलेज हम लोगों को एडमिशन ही नहीं दे रहा है। हाँ यार, जितने भी कॉलेज हैं मैंने हर जगह पता किया, लेकिन हमारा एडमिशन कहीं पर भी नहीं होगा। यार मेरे तो पापा कह रहे थे कि अगर तेरा एडमिशन कहीं नहीं हुआ तो मैं तेरे लिए 2-3 भैंसे खरीदूंगा, फिर उन्हीं का गोबर उठाना।
यार वरुण, मेरे पापा कह रहे थे कि अगर तेरा एडमिशन किसी भी कॉलेज में नहीं हुआ तो मैं तेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से करवा दूंगा। यार वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बहुत काला है और मैं उससे शादी नहीं करूंगी, मैं तुम ही से शादी करूंगी। वरुण तुम कुछ करो ना। यार मेरे पापा की प्रधानी भी चली गई है, मुझे अपने फ्यूचर की बहुत टेंशन है। हाँ अभी एक कॉलेज है जो अपने गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, सुना है वो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा कॉलेज है, वहाँ कम मार्क्स वालों का भी एडमिशन हो जाता है, तो हम तीनों लोग वहीं पर एडमिशन करवाते हैं और फिर लेते हैं मजे, क्यों बेबी? हाँ। तो फिर कल हम लोग चलते हैं। ठीक है चलो। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। क्यों? पहले अपनी फाइल दिखाइए। लो, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? ओए वॉचमैन, तू अभी मुझे जानता नहीं है, हम लोगों को अंदर जाने दे, नहीं तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप लोग इस कॉलेज के अंदर गए तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अभी हमारे सर आ रहे हैं, वो फाइल देखेंगे तभी आप लोग अंदर जा सकते हैं। कौन है तुम्हारे सर? बुलाओ सर। लगता है तुम्हारे सर को कॉलेज नहीं चलाना है। चल बुला सर को। आप लोग रुकिए, बस वो आ रहे होंगे। सर ये वही तीनों हैं जिनको आपने कॉलेज में पैर रखने से मना किया था। हाँ ये वही तीनों हैं, इन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। अबे गरीब, तू इस कॉलेज का मालिक कैसे? कल तक जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे वो इस कॉलेज का मालिक कैसे बन गया? दिस इज इम्पॉसिबल। नो दिस इज पॉसिबल। जब किस्मत और वक्त इंसान के साथ होता है तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, और किस्मत हमेशा उन्हीं का साथ देती है जो अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होता है। और तुम लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी कि जब भगवान इंसान की कठिन परीक्षा लेता है तो वो ये देखता है कि मैं जो इसे दे रहा हूँ ये उसके लायक है या नहीं। मेरा बुरा वक्त तो बीत गया, अब तुम लोगों का बुरा वक्त शुरू हुआ है। मुझे पता है कि तुम लोगों को इस ज़िले के किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है। अब यही एक कॉलेज है जो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो फिर करो ना हम लोगों का एडमिशन, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। यह कॉलेज तुम जैसे घमंडी और आवारा लोगों के लिए नहीं है, यह कॉलेज उन लोगों के लिए है जो अपनी गरीबी या किसी दूसरी वजह से पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। और मेरे इस कॉलेज में गरीबों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है और उन्हें सिखाया जाता है कि इंसानियत क्या होती है। एडमिशन क्या, अब तुम लोगों की परछाई भी इस कॉलेज में नहीं पढ़ सकती। तुम लोग पैसों से सब कुछ तो खरीद सकते हो लेकिन शिक्षा और संस्कार कभी नहीं, क्योंकि शिक्षा के लिए मेहनत और लगन होनी चाहिए जो सिर्फ एक गरीब के अंदर होती है। गेट आउट फ्रॉम माई कॉलेज, निकल जाओ।